चंद्रपुर के रेलवे पटरी से जुड़े झोपड़पट्टी निवासियों को रेलवे प्रशासन ने मकान खाली करने के निर्देश देने के बाद झोपड़पट्टी वासियों में सन्नाटा छा गया है। इस मामले को लेकर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा, देखते हैं इस खबर में। रेलवे लाइन के पास रहने वाले जलनगर वार्ड परिसर के कुछ झोपड़पट्टी धारकों को रेलवे विभाग द्वारा जगह खाली करने का अल्टीमेटम देने का मामला अब काफी गर्मा गया है। वहीं दूसरी ओर इन झोपड़पट्टी धारकों को रेलवे विभाग द्वारा जगह खाली करने का अल्टीमेटम देने के संदर्भ में एडवोकेट फरहाद बेग ने कुछ मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। वास्तविकता ये रेलवे की जगह नहीं है। 10 जून 2022 को उन्होंने पब्लिक प्रिमाइसेस एक्ट के कलम 5 के जरिए ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके ये बोला कि सारे घर यहाँ से गिरा देना चाहिए। तकरीबन ये 700 से 800 घर है, उसके अगेंस्ट में कुछ 20-25 लोगों ने अपील दाखिल किया है। अपील कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक कोई भी फोर्सफुल एक्शन नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी 22 फरवरी को हमारा दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो चुके हैं और मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि केस बहुत अच्छी है और केस रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमको मालूम है। लेकिन 23 तारीख को रेलवे डिपार्टमेंट ने पुलिस सीआरपीएफ की फोर्स लेकर आए और पब्लिकली जाके भोंगा लेकर माइक पे लोगों को धमका दे गए कि 28 तारीख से पहले आप यहाँ से खाली कर दो वरना वो फोर्सफुली उसको गिरा देंगे। जबकि मैटर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट के लिए 17 मार्च रखा गया है। अब ऐसे सूरत में हमारे पास में सिवाय पब्लिक के सामने आने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमको कोर्ट पे भरोसा है और कोर्ट। वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने तत्काल एक बैठक बुलाई। नियोजन सभागृह में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी विनय गौड़ा, पुलिस अधीक्षक प्रवीण परदेसी, मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पालक मंत्री मुनगंटीवार ने रेलवे अधिकारियों को चेतावनी दी कि आप नागरिकों को बेघर नहीं कर सकते। अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में रेलवे बोर्ड अगर कोई आदेश देता है तो सर्वप्रथम इसकी सूचना जिला प्रशासन तथा पालक मंत्री कार्यालय को देना आवश्यक है। अगर आपको जमीन की आवश्यकता है तो आप जिला प्रशासन से सहयोग मांगें। नागरिकों के रहने के लिए पहले व्यवस्था करें, उसके बाद अतिक्रमण को हटाएं। अब यह कोशिश करें कि कोई नया अतिक्रमण न हो, मगर पुराने मकानों को हाथ न लगाएं। राज्य सरकार की घरकुल योजना को रेलवे भी आर्थिक सहकार करे। और उन्होंने यह भी कहा कि संबंध में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत हो चुकी है। अब देखना है यह मामला किस ओर जाता है, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। मागच्या वर्षी यांनी 28 तारखेला एप्रिल महिन्यामध्ये नोटीस दिलेली होती की घर तुम्ही खाली करा। त्याच्यानंतर आम्ही निवेदन दिलेलं आहे DMR ऑफिसला वगैरे, त्यांची कारवाई ती थोडीशी थांबण्यात आलेली आहे। परंतु अजून अचानक येऊन त्यांनी लॉस स्पीकर करून सांगितलं आहे की तुम्ही 28 तारखेपर्यंत घर खाली करा, अन्यथा आम्ही घर ते तोडून देऊ 1-2 दिवसांमध्ये 1-2 तारखेला। परंतु हा अन्याय आहे। आम्ही ह्या भारतात राहणारे लोक, आम्ही पाकिस्तानातून आलेले लोक नाही आहे ना, बांगलादेशातून आलो। बांगलादेशातून लोक आले त्यांना तुम्ही जागा देऊन निराशित केलं आणि इथल्या लोकांना बेघर करत आहे, हे कुठला न्याय आहे? हा न्याय बिलकुल योग्य नाही आणि आम्ही आखरीपर्यंत संघर्ष करू। आम्हाला 43 वर्ष झाले इथं येऊन, आम्हाला रेल्वेवाले येऊन त्रास देऊन राहिले। उठा का 4 दिवसाची मोहलत, 28 तारखेपर्यंत मोहलत दिली आहे आम्हाला। तुम्ही अगर उठले नाही तर आम्ही डोलजर आणून टाकीन, तुमचं सामान पाहून टाकीन। मग तुम्ही म्हणू नका का आम्ही तुम्हाला सांगितले नाही का, धमकी देऊन चालले आम्हाला। भोंगा घेऊन आले होते आणि आम्हाला धमक्या देऊ देऊ जाऊन राहिले आहे। तर आम्ही गरीब व्यक्ती कुठं जाव, आम्हाला हातमजुरी करून आणतो, आमची ताकद नाही आहे किराया द्यायची, आम्ही किराया देऊ शकत नाही। आम्ही जावतो कुठं जाव, हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं और एकदम से एकाएक आके पुलिस वाले बोल रहे, आरपीएफ वाले कि घर खाली कर लो, तो हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पे रहेंगे क्या? यही हमारी दरख्वास्त है कि हमको न्याय मिले और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते हैं।